गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम जैनेन्द्र तुमेरी। दोस्तों आज हम विषय पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्सेल में जो वी लुकअप फॉर्मूला होता है उसको हम देखेंगे। एक्सेल में जो वी लुकअप फॉर्मूले का यूज किया जाता है, ये वी लुकअप फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में, इसका तो वी लुकअप फॉर्मूले का मैक्सिमम जगह पर यूज होता है, लेकिन जो लोग स्पेशली मीटर का वर्क देखते हैं, सिंगल फेस मीटर देखें, थ्री फेस मीटर मतलब MMG, CMG है ना, इस तरह के डिपार्टमेंट या जहाँ पर प्रोजेक्ट में काम हो रहा है वहाँ पर सिंगल फेस मीटर मान लीजिए 8,000, 10,000, 20,000 इस तरह से अगर मीटर लग रहे हैं, सौभाग्य योजना में जो मीटर लगते थे है ना, तो जहाँ पर मीटर का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और जहाँ पर एक चीज़ आप और कह सकते हैं, जहाँ पर मान के चलिए 1,000 की क्वांटिटी हो और उसमें हमें आइडेंटिफाई करने हों केवल 10, कि जैसे मान लीजिए 1,000 मीटर दिए गए या 1,000 नंबर किसी चीज़ के दिए गए, तो वो उस पे से अगर हमें 100 फाइंड आउट करने हैं तो क्या हम 100 फाइंड आउट कर सकते हैं तुरंत? अगर आप देखिए क्या है, आप फिल्टर लगाते भी वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होता है कि एक्सेल में अगर आप वी लुकअप लगा देंगे ना, तो उससे पता चल जाएगा कि जो मीटर मान लीजिए इशू हुआ है, वही मीटर अभी इस पे, जैसे मान के चलिए आपकी जो 100 क्वांटिटी है और जो मीटर इशू क्वांटिटी है, उस पे से अगर आपने फॉर्मूला लगाया तो ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से मीटर का कंजम्पशन हो चुका है। देखिए ये क्या है, आपका स्टोर से मान लीजिए मीटर इशू हुआ, इसलिए क्या लिखा हुआ, इशूड मीटर नंबर LS 8772 है, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा सीक्वेंस, तो अगर हम इसको यहाँ से टोटल काउंट कर लें कि कितना है, तो वो देखिए कितना है आपका, ये यहाँ पर टोटल देख रहे हैं आप, काउंटिंग आपको दिख रही है कितना, 461 ये दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर देखिए टोटल काउंटिंग दिख रही है। तो अब ये आपका क्या हुआ, ये तो हो गया जो कि टोटल मीटर है, ठीक है। अब इसमें से क्या है, देखिए ये टोटल मीटर हो गए और ये कंज्यूम्ड की क्वांटिटी कितनी है, कंज्यूम्ड की क्वांटिटी है आपकी 22, ठीक है, ये आप देख रहे हैं 22। तो अब अगर हम मान के चलिए इसमें क्या करें, फिल्टर करके इसको काम किया जाए, तो फिल्टर करके भी तो हो जाएगा, लेकिन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो गया। अभी तो हमने 22 ही लिया, अगर मान के चलिए हमको अभी 1,000 का डाटा होता या 461 में से ही हम 100 या 150 की क्वांटिटी फाइंड आउट करते मीटर की, तब क्या होता कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें वी लुकअप लगाएंगे। तो इक्वल टू करिए वी लुकअप, ठीक है, ये देखिए आ गया वी लुकअप लिख के, लुकअप वैल्यू। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो मीटर नंबर लिखा हुआ, किस मीटर नंबर में कंज्यूम में से फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या, ये देखो क्या लिखा हुआ, पहले लुकअप वैल्यू, तो वैल्यू हमारी ये है। फिर क्या लिखा हुआ, टेबल एरे नंबर, मतलब ये टेबल का ये हो गया एरे। फिर इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या कहलाएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर, चूंकि हमने एक ही कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है तो ये हो जाएगा 1। फिर चूंकि हमें एग्जैक्ट मैच कराना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0, और ये आप क्या करिए, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए इंटर कर दीजिए, ये आपका आ गया मीटर नंबर, मतलब इसमें से ये देखिए जो जिसके सामने, जैसे इसमें से हमको क्या, इस मीटर नंबर को हम देख रहे थे, इसमें से ये जितना है, तो देखिए 8787872, तो ये रहे यहाँ पर, तो ये जिसके सामने ये जो हम मीटर इसमें से देख रहे हैं वो उसी के सामने वो मीटर नंबर आ जाएगा। तो भाई ये इसके आधार पे अगर कहा जाए, ये 22 की क्वांटिटी थी तो 22 होना चाहिए, और बाकी जो मीटर मैच नहीं होगा वो क्या आ जाएगा, NA। तो इसको देखो, अगर हम इसको सिलेक्ट करने के लिए NA हटा दें, ठीक, अब इसकी हम क्वांटिटी को देख लें भाई, ये टोटल कितना है, क्या वही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देखिए भाई 22 हो रहा है, ये देखिए काउंट में लिखा हुआ है 22। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मीटर के केस पे आप इसको वी लुकअप के माध्यम से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इसके लिए जरूरी ये है, जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि जो वैल्यू, अगर देखिए दोनों में सेम मैच होगा, जैसे कि LS मान लीजिए 8787 72 और दूसरे कॉलम में भी वही सेम लिखा होगा, तभी वो मैच करेगा। अगर मान के चलिए केवल 8787 72 है और एक में LS 8787 72 है, तो नहीं मैच होगा, NA आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, दोनों कॉलम में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, वी लुकअप के माध्यम से हम 1,000 का डाटा हो, 10,000 का डाटा हो, हम उसको बहुत ही आसान तरीके से उसमें 200 का डाटा विद इन अ सेकंड फाइंड आउट कर सकते हैं। यही चीज़ आप फिल्टर करके करने जाओगे, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो कारगर साबित होगा। एक बात पुनः
आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और जो लोग मीटर का काम देखते हैं उनको स्पेशली इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।